हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। सबमरीन एक टाइप का शिप है जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। ये एक बड़ा सेल्फ कंटेनेड बॉक्स होता है। सबमरीन के उपयोग ने वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। सबमरीन का यूज सेना में किया जाता रहा है और ये किसी भी देश की नेवी का स्पेसिफिक वेपन होता है। सबमरीन पहले भी बनाई गई थी, लेकिन ये 19th century में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबमरीन का जमकर उपयोग किया गया था। तो आइए जानते हैं सबमरीन के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। एक सबमरीन के अंदर जीने के लिए जरूरी सभी सुविधाएं आर्टिफिशियल फॉर्म में उपलब्ध होती है, जैसे कि सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन टैंक। कार्बन डाइऑक्साइड ना भर जाए इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन डिवाइस भी लगे होते हैं। लगभग जीने के लिए उपयोगी सभी सुविधाएं सबमरीन के अंदर उपलब्ध होती है, क्योंकि सबमरीन को कई महीने तक पानी के नीचे रहना पड़ता है। सबमरीन का इन्वेंशन एक डच साइंटिस्ट ने सन 1602 में किया था, लेकिन उस समय इसे वॉरफेयर के रूप में नहीं सोचा गया था। लेकिन कॉर्नेलियस वॉन डर्बलिन ने उस सबमरीन में कुछ सुधार किए और उसे गतिशील बनाया। वो सबमरीन लकड़ी की बनी थी और इस पर लेदर लगाया गया था। पहली मिलिट्री सबमरीन टर्टल सन 1775 में बनाई गई थी। इसकी ट्रेनिंग सक्सेस हो गई और ये पानी के अंदर सभी मिलिट्री वर्क करने में कैपेबल थी। इसके लिए इसका इस्तेमाल एक वर्ष के बाद अमेरिकी रिवॉल्यूशन में किया गया और इसी तरह से सबमरीन नेवल वॉर्स में भी भाग लेने के लिए योग्य बन गए। सन 1620 से लेकर अब तक सबमरीन की तकनीक और कंस्ट्रक्शन में बहुत बदलाव आया। शुरुआत में डीजल इंजन से चलने वाली सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसके अंदर बदलाव किए गए और सन 1950 में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन ने डीजल से चलने वाली सबमरीन की जगह ले ली। नोटिलस पहली सबमरीन है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया गया था, और न्यूक्लियर सबमरीन में न तो विंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है और न ही फ्यूल गैस के एग्जिट की समस्या होती है। आज सी वाटर से ऑक्सीजन इंटेक करने वाली सबमरीन को भी कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है। इन दो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन से सबमरीन कंस्ट्रक्शन एरिया में क्रांति सी आ गई है, क्योंकि मॉडर्न सबमरीन कई वीक तक या कई महीने तक पानी के अंदर रहने में कैपेबल हो गई है। और आजकल सबमरीन का इस्तेमाल टूरिस्ट द्वारा भी किया जाता है। वो समुद्र जीव देखने के लिए सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं और हर विकसित देश के नौसेना के बेड़े के अंदर सबमरीन के शामिल किया जा रहा है, क्योंकि देशों के बीच होने वाले टकराव से समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए सबमरीन का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। आज दुनिया में 503 सबमरीन है, जिनमें से 141 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जबकि बाकी की डीजल ऑपरेटेड सबमरीन। सबमरीन के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो पहले सबमरीन में केवल एक या दो लोगों के लिए ही जगह होती थी, और आज कुछ सबमरीन में 100 से भी अधिक लोगों को ले जाया जा सकता है। 2009 में दो न्यूक्लियर सबमरीन जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश थी, वो अटलांटिक में एक दूसरे से टकरा गई, क्योंकि वो एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद समुद्र में कुल 9 न्यूक्लियर सबमरीन खो चुकी है, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ आपको जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।